हेलो फ्रेंड्स, आज फिर मैं आज एक नए टॉपिक के साथ दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इलस्ट्रेटर सीसी में 3D इफेक्ट कैसे सेट करते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। न्यू पेज ले लेंगे, क्लिक कर दिया हमने और इस तरीके से आ जाएगा एक, और हमने ये ले लेने हैं 1280x800 पिक्सल्स। यहाँ पे थ्री डी इफेक्ट, ठीक है, ओके कर देंगे। ओके कर दिया है, इस तरीके से हमारा पेज बन जाएगा। हम वो टूल्स ऑन कर लेते हैं जो हम इसमें यूज करने वाले हैं। ये देख सकते हो ग्रेडियंट, ठीक है, इसको ऑन कर लिया, यहाँ पे आ गया है। और फिर हम यहाँ से जाएंगे और पाथ फाइंडर नीचे होगा, ये रहा, ठीक है, इसको भी हमने यहाँ कर लेने हैं, ठीक है। हमारा जो स्वचेस है अलाइनमेंट है, ठीक है, और इसमें टैग्स हम टाइप करेंगे। ये देख सकते हो टाइप टूल्स क्लिक कर देंगे और फिर यहाँ पे क्लिक करके टाइप करेंगे। कैप्स लॉक हमारा कैपिटल में ही हम टाइप करेंगे फोटो, ठीक है, ओनली फोटो, और इसको बड़ा कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हो, ये देख सकते हो 270 के आसपास आ गया है। और यहाँ पे जाएंगे हम, ये देख सकते हो प्रोक्सिमा नोवा फॉन्ट ले लेंगे और फिर यहाँ से हम जाके इसको ब्लैक कर देंगे, ब्लैक हो गया, ठीक है। इसको यहाँ पे ले लेंगे और इसको थोड़ा सा हम रोटेट कर देंगे इस तरीके से, ठीक है, और बड़ा ही रखेंगे इस तरीके से। और फिर यहाँ पे जाएंगे हम टाइप, ये देख सकते हो क्रिएट आउटलाइन, इस तरीके से कर देंगे, हमारा ये कर्व हो गया है। और फिर हम इसमें जाएंगे, एक लाइन लेंगे, देख सकते हो लाइन सेगमेंट, और एक इस तरीके से हम ड्रैग कर लेंगे लाइन, और इसको हम अपने हिसाब से सेट करेंगे, ये ठीक है, इस तरीके से ये ठीक है। अब हम इसमें जाएंगे यहाँ से ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ पे जाएंगे पाथ, ये देख सकते हो डिवाइड ऑब्जेक्ट ब्लॉक, ठीक है, और फिर यहाँ जाके हम ऑब्जेक्ट देख सकते हो अनग्रुप, अनग्रुप कर लिया है। और आप देख सकते हो ये सारे अलग अलग हो गए, इसको इसको सिलेक्ट करके ग्रुप कर लेंगे, ग्रुप, और फिर इसको 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 तो भी सिलेक्ट करके ग्रुप कर लेंगे, इस तरीके से हो गया है। और फिर नीचे ले लेंगे हम इस तरीके से, और फिर इनको सिलेक्ट करके और यहाँ पे जाएंगे, देख सकते हो 3D एक्सट्रूड एंड बेबल्स, इस तरीके से आ जाएगा। ये देख सकते हो 18 है, 26, 8, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा 950 कर सकते हैं, इसको 8 ही रखते हैं, ठीक है, 7 कर देते हैं। ये देख सकते हो 18 है, 26 माइनस 26 है और 50, और यहाँ इसमें नन है, ठीक है, इसको ओके कर देंगे, इस तरीके से हमारा आ जाएगा। और फिर इसको सेलेक्ट करेंगे दोनों को और यहाँ से जाएंगे, देख सकते हो एप्रीहेंस, इस तरीके से बन जाएगा। और फिर यहाँ से अनग्रुप करेंगे, ज़्यादा ज़्यादा अनग्रुप कर लेंगे, ठीक है, अब ये देख सकते हो अलग अलग हो गया है। अब इनको वन बाय वन इस तरीके से हम सिलेक्ट कर लिए और फिर इसको सिलेक्ट कर लेंगे और फिर इसको सिलेक्ट करेंगे, ऐसे वन बाय वन करके हम सब सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, सिलेक्ट हो गया है। और फिर हम यहाँ पे जाएंगे पाथ फाइंडर, देख सकते हो, और इस पर क्लिक कर देंगे, इस तरीके से हमने क्लिक कर दिया है, और जो कॉपी किया था हमने उसको पेस्ट प्लेस कर देंगे और फिर इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको भी कट कर लेंगे, कट, फिर इसको भी सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से,
ठीक है, ये हमारा सिलेक्ट हो गया और इसमें भी हम सेम वही कर देंगे इस तरीके से, और फिर पेस्ट इसको ग्रुप करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे और इसको नीचे लेके आ जाएंगे इस तरीके से, ये ठीक है फिलहाल। और हम इसमें और इसमें सेलेक्ट करेंगे और ये यूज कर देंगे, ये वाला ग्रेडियंट देख सकते हो, और फिर कलर ऑन कर लेंगे और इनको सिलेक्ट करेंगे। इसमें आप कुछ भी कलर फिल कर सकते हो इस तरीके से, ये वाइट की जगह हम फिल करेंगे इस तरीके से, देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है। इनको सिलेक्ट कर लेंगे वन बाई वन करके, और इसमें भी कलर हम ये फिल कर देंगे और इसको ग्रुप कर देंगे, देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत हमारा बन गया है। और इसमें चाहेंगे तो हम दोनों को सिलेक्ट करके ये कलर यूज कर लें, ये देख रहे हो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। आप जो भी कलर इसमें करना चाहते हैं आप वन क्लिक में कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा और काफ़ी क्रिएटिव लग रहा है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर YouTube पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर Facebook पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक और कमेंट करें। दोस्तों मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।